छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं मौसम तेरे रंग निराले, इसका शेष भाग। इसके पहले हमने देखा था कि शरद ऋतु यानी ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम। तो इसमें ये चारों बच्चे जो है, मोहित, सोनाली, अमन, रिंकी, इनसे बातें कर रही हैं, ऋतु इनसे बातें कर रही हैं, शरद ऋतु। तो शरद ऋतु इनको बता रही है कि मैं आते ही गर्मी धूम दबाकर भाग जाती हैं, और इसमें मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं, और इसी कारण जो रिंकी है उसको ये जाड़े का मौसम पसंद है, शरद ऋतु पसंद है। उसके बाद जो मोहित है उसे शरद ऋतु पसंद नहीं है, क्योंकि ठंड में ठिठुरते हुए नहाना पड़ता है और ये नहाने का चोर हैं। तो इसी कारण ये जो शरद ऋतु है वो बोलती है तुम्हें ठंड में भी नहाना चाहिए, गर्म पानी लेकर नहाना चाहिए, और नहाने से हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है, इसी कारण हमें गर्म पानी लेकर ठंड में नहाना चाहिए। देखिए, उसमें सोनाली भी बोलती है कि मुझे मम्मी लड्डू बनाकर खिलाती हैं, इस सर्दी शरद ऋतु में मुझे मेरी मम्मी जो है वो लड्डू बनाकर खिलाती हैं, गाजर, मूली, अमरूद, संतरे सब चीज़ें मुझे खाने के लिए मिलती हैं। तो ये जो फल हैं वो इसी मौसम में आते हैं, शरद ऋतु के मौसम में ये सब फल आते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि ग्रीष्म ऋतु अपने बारे में जानकारी दे रही है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तब सब शाल उतार कर फेंक देते हैं, सबको गर्मी लगने लगती है, और ये जो शरद ग्रीष्म ऋतु है वो सबके लिए पंखे लाती हैं, पंखे से हवा करो ऐसे वो बोलती हैं। उसके बाद देखिए, इसमें मोहित को शरद ऋतु पसंद नहीं थी, पर अब मोहित को ये पसंद है, खूब नहाओ खूब सो ऐसे वो बोल रहा है। मुझे तो गर्मियों में शरबत और लस्सी बहुत अच्छी लगती है, किसको, रिंकी को। उसके बाद मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं, कौन बोल रही है, सोनाली बोल रही है, मुझे तरबूज बहुत अच्छे लग रहे हैं। रिंकी बोलती है मुझे भी, रिंकी को भी तरबूज अच्छा लगता है। ग्रीष्म ऋतु में फल से शहतूत, बेल का शरबत पीना और ऐसे ही खाना बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए, अमन जो है इसको ग्रीष्म ऋतु पसंद नहीं है, वो बोलता है कि जब देखो पसीना ही पसीना आता रहता है, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है, लू लगने का भी डर रहता है। तो इसके ऊपर ग्रीष्म ऋतु बोलती है तुम लोगों को लू में बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर निकलना जरूरी है तो साथ में तौलिया रखना चाहिए, हमारे सिर पर तौलिया रखो, साथ में प्याज रखो और कच्चे आम का पना पियो, ये सब सुविधा आपके पास है तो आप बाहर निकलो। उसके ऊपर देखिए, गर्मी रानी आप लोग को बंद नहीं कर सकती, तो इसके ऊपर ये बोलती है कि ग्रीष्म ऋतु बोलती है सोनाली लू केवल मैदानी इलाकों में चलती है, गर्मियों में पहाड़ों पर सुहाना मौसम होता है, समुद्र के किनारे बसे शहरों में भी मेरा जोर नहीं चलता। तो रिंकी बोलती है गर्मी रानी आप एक बात बताना तो भूल गई, ग्रीष्म ऋतु बोलती है वह क्या, रिंकी बोलती है गर्मियों में आम आते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं, ग्रीष्म ऋतु बोलती है हाँ आम फलों का राजा है, आम से तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। देखिए, एक फलों का राजा आम जो इस मौसम में आता है, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में आता है और वो सबको अच्छा लगता है। मोहित बोलता है गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, मैं अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाता हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है, गर्मियों में स्कूल को छुट्टी होती है इसलिए मुझे ये मौसम अच्छा लगता है, और इस मौसम में मैं अपने नाना नानी के यहाँ पर जाता हूँ, छुट्टियाँ होते ही मैं अपने नाना नानी के यहाँ जाता हूँ। ग्रीष्म ऋतु बोलती है बच्चों तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छा अब मैं चलूं, वर्षा इंतजार में खड़ी होगी, यहाँ तक हम आए थे, जाती है वर्षा, अभी ग्रीष्म ऋतु चली जाती है। हाथ हिलाकर बच्चे गर्मी को विदाई देते हैं, हम जैसे कि टाटा बोलते हैं वैसे ही सब हाथ हिलाकर सब उस ग्रीष्म ऋतु को विदाई देते हैं। अमन बोलता है लंबी सांस भरकर गर्मी गई तो चैन मिला, बच्चे पंखे एक तरफ रख देते हैं। अमन
अमन को गर्मी पसंद नहीं है, ये ग्रीष्म ऋतु पसंद नहीं है, क्योंकि पसीना 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 होता है और लू लगने का डर रहता है। इसी कारण इसको अमन को ये जो ग्रीष्म ऋतु है वो पसंद नहीं है। इसके ऊपर सोनाली बोलती है, रिंकी देखो आकाश में बादल छा गए हैं। सोनाली बोलती है, रिंकी देखो आकाश में बादल छा गए हैं। रिंकी बोलती है, लगता है बरसात आने वाली है। कौन सा मौसम आने वाला है? बरसात का मौसम आने वाला है। मोहित बोलता है, जल्दी घर चलो। उसी क्षण हरी साड़ी पहने एक स्त्री आती है और बच्चों से कहती है, वर्षा ऋतु, मुझसे बिना मिले ही घर जा रहे हो? मुझसे बिना मिले ही घर जा रहे हो? ऐसे वर्षा ऋतु उस बच्चों से कह रही है। रतन बोलता है, आप कौन हैं? तो वर्षा ऋतु कहती है, मैं वर्षा ऋतु हूँ, गर्मी से परेशान लोगों को राहत देती हूँ। देखिए, पहले कौन सा मौसम देखा हमने, कौन सा ऋतु देखा? शरद ऋतु देखा। शरद ऋतु के बाद कौन सा देखा? ग्रीष्म ऋतु देखा, यानी गर्मी का मौसम। अब आई है वर्षा ऋतु, जो गर्मी से लोगों को राहत देती है। गर्मी से परेशान लोगों को राहत देने का काम कौन करती है? ये वर्षा ऋतु करती है। अब देखिए, अमन बोलता है, लेकिन बरसात में हमें स्कूल जाने में और खेलने में बड़ी परेशानी होती है। जब भी बरसात होती है तो हमें स्कूल जाने के लिए और मैदान पर खेलने के लिए परेशानी होती है। हमें अपने अपने साथ रेनकोट लेने पड़ते हैं, छाता लेना पड़ता है, ये सभी चीज़ें हमें संभालनी पड़ती हैं, तो इसी कारण हमें परेशानी होती है। वर्षा ऋतु बोलती है, अपनी जरा सी परेशानी मत देखो बेटे, मैं ना आऊं तो सूखा पड़ जाता है, मैं धरती की प्यास बुझाती हूँ, मिट्टी उपजाऊ बनाती हूँ। देखिए, उपजाऊ का अर्थ है अच्छी उपज देने वाली, अच्छी उपज देने वाली, इसको ही उपजाऊ कहते हैं। अब देखो, पानी ही नहीं रहा तो जमीन कैसी बनेगी? सूखी बनेगी। और मानव का जीवन है, पानी क्या है? मानव का जीवन है। मनुष्य को या फिर पेड़ पौधों को पानी नहीं मिला तो मनुष्य और पेड़ पौधे मर जाएंगे, पर्यावरण की हानि हो जाएगी। इसी कारण वर्षा का होना बहुत जरूरी है। अपनी जरा सी परेशानी मत देखो बेटे, मैं ना आऊं तो सूखा पड़ जाता है, मैं धरती की प्यास बुझाती हूँ, धरती की प्यास बुझाती है ये वर्षा ऋतु, मिट्टी उपजाऊ बनाती हूँ। मोहित बोलता है, हाँ तुम ठीक कहती हो, दादाजी भी कहते हैं कि अच्छी फसल के लिए समय से बरसात का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें खेत में अच्छी फसल लानी है तो समय पर बरसात का होना बहुत जरूरी है। ये बरसात अगर ज्यादा भी हो तो फसल का नुकसान हो जा सकता है। तो ये समय से और नियमित रूप से अगर बरसात हो तो हमारे फसल के लिए अच्छी होती है। तो देखिए, इस वर्षा ऋतु का बहुत बड़ा महत्व है। अगर वर्षा ऋतु ही चला जाए, वर्षा ऋतु हो ही नहीं, तो हमारे जीवन में बहुत हानि पहुंच सकती है हमारे जीवन को, और हमारी धरती सूखी बन सकती है। इसी कारण इस वर्षा का बहुत महत्व है। अमन बोलता है, बरसात में नहाने में बड़ा आनंद आता है। अमन को ये वर्षा ऋतु बहुत पसंद है, बरसात में नहाने में बड़ा आनंद आता है। सोनाली बोलती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। बरसात में चारों तरफ हम देखते हैं हरियाली ही हरियाली छाई रहती है, सब पेड़ पौधे हरे हरे भरे दिखाई देते हैं इस बरसात के मौसम में। वर्षा ऋतु खुश होकर वर्षा ऋतु बोलती है, खुश होकर मोर नाचते हैं इस बरसात में, खुश होकर मोर नाचते हैं। तो सोनाली बोलती है, नाचते हुए मोर बहुत सुंदर लगते हैं, हमने खेतों में देखे हैं, हमने अपने खेतों में देखे हैं, नाचते हुए मोर बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, सुंदर लगते हैं। तो मोहित बोलता है, हर मौसम अपनी अपनी बात कहता है, हम किसे माने? देखो, इस मोहित को गर्मी पसंद है, ग्रीष्म ऋतु पसंद है, और ये बोलता, इससे तो ठंड शरद ऋतु भी पसंद नहीं है, और ये बोलता है कि हर मौसम अपनी अपनी बात कहता है, सब अपने महत्व के बारे में बताता है, पर हम किसकी बात माने, हम किसको महत्व दे, ऐसे ये बोल रहा है मोहित। वर्षा ऋतु तो बोलती है, बच्चों हर ऋतु का अपना महत्व है, हर ऋतु का अपना अपना महत्व है, हमें तो सब ऋतुओं से प्यार करना चाहिए, सब ऋतु हमें पसंद होने चाहिए।
सब मौसम बराबर हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। सब ऋतुएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। निर्भर का मतलब देखिए आश्रित, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, निर्भर है। देखो अगर गर्मी ज्यादा गर्मी हो गई तो बादल छाने लगते हैं, बारिश आती है ना। उसके बाद बारिश का मौसम चला जाने के बाद फिर से ठंड का मौसम आता है, यानी शरद ऋतु आती है। तो ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक चला जाने के बाद दूसरा आता है, दूसरा चला जाने के बाद तीसरा आता है। ऐसे ये मुख्य ऋतु एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यही ऋतु चक्र कहलाता है। ये क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसीलिए इसे ऋतु चक्र कहलाता है। अच्छा बच्चों अब मैं चलती हूँ। हाँ जाते जाते तुम्हें एक बात बताती जाऊं कि मेरे आने पर तुम लोग साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा करो। खाने की चीजों को खुला मत रखना, सड़े गले फल मत खाना वरना बीमार पड़ सकते हो, समझे बच्चों? देखिए एक हमें सावधानी बरतने के लिए कही है इस वर्षा ऋतु ने, या आने से पहले सभी जगह पर हमें साफ सफाई करनी चाहिए। अगर अचानक से वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आने से पहले आहट देती है, दस्तक देती है ना, हमें पता चलता है कि अभी बादल छा गए यानी वर्षा ऋतु आने वाली है, वर्षा होने वाली है, तभी हमें पता चलता है। तभी हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आजू बाजू अपने आसपास के जो परिसर है, अपने आसपास का जो पर्यावरण है उसका उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। हमारे आसपास का जो इलाका है उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। हाँ जाते जाते तो मैं एक बात बता दी जाऊँ कि मेरे आने पर तुम लोग साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा करो। खाने की चीज़ों को खुला मत रखना, इस मौसम में खाने की चीज़ों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। सड़े गले फल मत खाना वरना बीमार पड़ सकते हो, समझे बच्चों? यह हमें ध्यान रखना चाहिए। सब बच्चे एक साथ एक स्वर में हाँ समझ गए, हाँ समझ गए, वर्षा ऋतु बोलती हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, टाटा। सब बच्चे टाटा, सब बच्चे क्या कहते हैं? टाटा। वर्षा ऋतु के जाने के बाद बच्चे खुश होकर ताली बजाकर घूमते हुए गाते हैं। अब देखो मंच पर वो बच्चे घूमकर गा रहे हैं, सभी ऋतु उनसे मिलकर वापस गए हैं। अब ये गाना गा रहे हैं, सब मौसम मतवाले भैया, एक से एक निराले भैया, एक ऋतु जाए दूजी आए, यह ऋतुओं का चक्र कहलाए, टले न किसी के टाले भैया, सब मौसम मतवाले भैया। देखिए दूजी का मतलब है दूसरी, दूजी का मतलब है दूसरी। देखो ये बच्चे बोल रहे हैं कि सब मौसम मतवाले भैया, अपने अपने मत से सब चल रहे हैं, सबका अपना अपना महत्व है, एक से एक निराले भैया, एक जैसा दूसरा नहीं है पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसीलिए इसको ऋतु चक्र भी कहते हैं। तो एक से एक निराले भैया, एक ऋतु जाए दूजी आए, एक चला जाने पर दूसरा आता है, यह ऋतुओं का चक्र कहलाए। यह क्या है? ऋतु चक्र कहलाता है। टले न किसी की टाले भैया, सब मौसम मतवाले भैया। यह हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे रोक नहीं सकते हैं, ये तो पर्यावरण का एक हिस्सा है, प्रकृति का नियम है और उस नियम के अनुसार ही ये सब आते रहते हैं। टले न किसी की टाले भैया, सब मौसम मतवाले भैया। देखिए इस पाठ में मौसम तेरे रंग निराले, इस पाठ के द्वारा इन ऋतुओं ने अपने बारे में जानकारी बच्चों को दी है। हमें भी इन ऋतुओं को किसी एक ऋतु को महत्व न देते हुए सभी ऋतु महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी भी हमें लेनी चाहिए। इस पाठ के द्वारा हमने देखा ऋतु चक्र की जानकारी, ऋतु चक्र की जानकारी दी, प्रकृति के परिवर्तनों को समझना, प्रकृति के परिवर्तन किस तरह से होते हैं इसकी जानकारी हमने इस पाठ के द्वारा ली, ऋतुओं के महत्व पर बल दिया है, इस पाठ में ऋतुओं के महत्व पर बल दिया है।